हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो में जो फ्लेमिंगो है उसकी सेकेंड स्टोरी फर्स्ट आप लोगों ने जैसे कि सुन लिया, स्टोरी ऑफ स्टूडेंट चाइल्ड यानी खोए हुए बच्चों की कहानी है, छोटे बच्चों की कहानी है, रेक्टिकल्स की कहानी है, जो चाइल्ड लेबर की कहानी है, उसके अलावा जो पुअर स्टिकन बच्चे हैं, पुअर स्टिकन में जो गरीबी से जूझ रहे हैं उन बच्चों की कहानी है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया गया था, उसमें उसकी जो थीम थी वो पॉवर्टी थी, गरीबी थी। बट इन सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसमें इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो ये है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये भी एक बच्चे की कहानी है जो चाइल्ड लेबरिंग करता है और उनकी कंडीशन बहुत लो है। तो इसका जो इसकी जो थीम है वो चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी सभी को पता है। 14 ईयर से जो लो कंडीशन ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यदि कोई लेबर कराता है, कोई मजदूरी कराता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है और उसको क्राइम भी है एक हिसाब से देखा जाए तो। यही है इसमें एक छोटे बच्चे मुकेश की स्टोरी है, जो इसके जो मेन करेक्टर है वो मुकेश है। ये चाइल्ड बच्चे हैं तो इनकी स्टोरी है मेनली जो ये है, ये एक ग्लास बैंगल जो इंडस्ट्री है उसमें काम करते हैं। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में चलता है जहाँ पर चूड़ियों का व्यापार होता है या चूड़ियाँ बनती हैं। सभी लोगों को पता है कि पूरे इंडिया में फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल के लिए जो फिरोजाबाद है वो फेमस है, वहाँ के बारे में डिस्कशन किया गया है। मुकेश का जो एम है वो चाहता है कि वो फ्यूचर में कोई बड़ा आदमी बने और बड़े काम करे। तो राइटर एक दिन इनसे मिलते हैं तो राइटर वही पूछते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। तो मुकेश कहता है कि मैं इन फ्यूचर एक कार चलाना चाहता हूं। तो हाँ, मुकेश का एम भी यही है कि वो चाहता है कि वो इन फ्यूचर में एक मोटर मैकेनिक बने और मोटर मैकेनिक बन के कोई अच्छा काम करे। तो एक दिन मुकेश से जब राइटर मिलती है तो उनसे पूछती है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हिज ड्रीम, उसका जो ड्रीम है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी आंखों पर है और जो उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। वहाँ की उसकी जो आंखें हैं वो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते करते उसकी जो आंखों की जो रोशनी है वो गायब हो चुकी है। वहाँ से फिरोजाबाद में जितने भी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो चाइल्ड वर्क करते हैं, जो एक हिसाब से चाइल्ड लेबर है, तो उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आंखें जा चुकी हैं, उनकी जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत टाइम से काम करते हैं। उनके जो फादर हैं, फोर फादर हैं, वो भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेनली कई लोग अपनी आंखें खो चुके हैं। फिरोजाबाद में जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह भी होती है और जो शीशे की जो चीज़ें हैं वो भी बनाई जाती है। मेनली पूरे इंडिया में ग्लास बैंगल जो इंडस्ट्री है वो चूड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर चूड़ियों का व्यापार भी होता है, चूड़ियाँ भेजी भी जाती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसके अलावा जो मुकेश है, मुकेश के जो फोर फादर हैं, उसके ग्रैंड फादर हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, वो सब काम करते हैं। हालांकि इसकी जो मदर है उसकी पहले ही डेथ हो जाती है, बट जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में आज भी देखा जाए तो एक हिसाब से यहाँ पर 20,000 चाइल्ड वर्क करते हैं। लगभग 20,000 जो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुकेश की स्टोरी भी इसमें दी गई है। मुकेश है, मुकेश की फैमिली में 3 और लोग हैं, तो उसके 4 और लोग हैं टोटल। वो लोग मुकेश है, मुकेश के ग्रैंड फादर हैं और उसके जो ब्रदर हैं, उनकी जो ब्रदर की वाइफ है, ये सब लोग हैं। तो उससे पूछते हैं कि क्यों आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या है। वो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, हम लोग इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और कहता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक जो सबसे बड़ी वंडर की चीज़ है, यदि कोई व्यक्ति अपने सर ढकने के लिए घर बना देता है, उसकी छत को ढक देता है, टीन या जो भी है, तो वो बहुत बड़ा वेंडर है, उसके लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे जीवन में केवल लोग वही काम करते हैं वेल्डिंग से, और जो बूढ़े लोग वहाँ पर हैं, ग्रैंड फादर लोग हैं, वो अपनी आँख की रोशनी खो चुके हैं। इसमें एक ओल्ड वोमेन की स्टोरी है जो कहती है मेरे हस्बैंड ये पूरे जीवन भर उन्होंने ये काम किया और अपनी आँख की रोशनी थी उन्होंने पूर्ण रूप से खो दी है। अब मुकेश की स्टोरी जैसी आती है तो कहते हैं कि एक दिन मुकेश के घर गई,
मुकेश के साथ गई तो वहां पर मैंने देखा कि रैक बहुत ज्यादा डल कंडीशन है, सभी लोग इसी प्रकार के जो ग्लास मैनुअल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई लोग आंखें खोल चुके हैं, किसी के जो बॉडी है जो स्किन है वो जल चुकी है ग्लास मैनुअल से। लेकिन अभी इसमें एक क्वेश्चन भी आ गया, डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास मैनुअल, चलो मन से क्वेश्चन में ध्यान दें, तो ग्लास मैनुअल इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या हानियां हैं। इसमें हानियां फर्स्ट में तो आप लोगों को सभी को पता है स्किन हमारे जो छोटे बच्चे हैं स्किन उनकी डैमेज हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू है आई साइड जा सकती है। नंबर थ्री है कि उनमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। नंबर फोर ये है डिसेबिलिटी हो सकती है। नंबर फाइव ये कि उनका जो मेंटल एटीट्यूड है या फिर ये माइंड ब्लॉकेज हो सकता है। नंबर फोर ये जो उसमें काम करने से जो आवाज चिंगारी उत्पन्न होते हैं उसकी स्किन में डैमेज आएगी, उनकी जो हियरिंग पावर है वो भी क्या हो सकती है खत्म हो सकती है। तो कह रही है एक दिन मैं मुकेश के साथ उसके घर गई, मुकेश मुझे वहां ले गया तो अपने कॉलोनी में, वहां पर उसने एक टीन का गेट था उस पर किक किया तो हम लोग अंदर गए। मुकेश की फैमिली में लगभग तीन और लोग थे, उसकी जो भाभी थी उसके ब्रदर की जो वाइफ थी वो बहुत गंदे कपड़े उसने पहने हुए थे, और उससे जब पूछा तो वहां पर कोई भी लोग जाते हैं तो अपना जो घूंघट है वेल है उसको नीचे कर देते हैं। क्यों नीचे कर देते हैं? क्योंकि वहां का एक कस्टम है, कस्टम मीन होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज ये है कि जब कोई सयाना घर में हो, कोई बड़े आदमी आते हैं तो जो महिला है जो वहाँ की जो बहू है वो क्या करती है अपने सिर में घूंघट डाल देते हैं और वो दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है या कहीं किवाड़ जो है उसके अंदर जाके छुप जाते हैं। तो ऐसा है उसकी जो कोई भी सयाना आता है तो उसकी जो मुकेश की भाभी है वो ऐसा ही करती है, उसके ब्रदर की वाइफ उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तीन लोगों के लिए रोज खाना बनाती है और उनको खिलाती है, और ये कहती है कि जो चूड़ियाँ हैं वहाँ की उसके सुहाग हैं, सुहाग की निशानी है, और एक छोटे बच्चे की भी यहाँ बात होती है। छोटी बच्ची जब छोटी होती है तो उसको ये सब पता नहीं रहता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने सुहाग के लिए, वो चूड़ियाँ पहनती है और सस्ती संवरती है, ये मेनली सभी जगह होता है लेकिन जो फिरोजाबाद है वो मेनली सुहाग में इसमें यदि बात आती है तो बैंगल्स ग्लास बैंगल्स जो कांच की चूड़ी है वो फेमस है। और उसके बाद कहती है कि कंडीशन देखकर अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी स्टोरी बताता है क्या था कैसा था क्या है, उसके बाद वर्क करते हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो कहते हैं कि हमारी जो एक प्रकार से डेस्टिनी है कि उनका दुर्भाग्य है कि उनके भाग्य में केवल इसी प्रकार का काम लिखा है और कोई काम नहीं है, और दुर्भाग्य से इस कास्ट में इस प्रकार के काम के लिए पैदा हुए हैं। और एक कर्म भी है, कहते हैं हमारा जो कर्म है उसकी ग्रांड मदर कहते हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड के जो आई साइड है उसको देखती है तो बहुत खराब हो रहते हैं, और कई सालों तक ये काम चलता है, और कई लोग हटमेट पे रहते हैं, कई लोग जो लैंप चला के रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। एक सविता गर्ल की स्टोरी आती है, जो सविता छोटी सी लड़की है और वो पिंक ड्रेस पहनी हुई है, उसके अलावा उसकी जो एल्डरली वुमेन है वो उसके बारे में बताती हैं, ग्लास में काम करती है अपनी मदर जो ग्रांड मदर है उनकी हेल्प करती है। उसके अलावा एस्पिशियस टाइम होता है, एस्पिशियस मीन होता है सुबह अवसर पर, तो वो ग्लास बैंगल की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनी जाती हैं वो किसी के लिए भी, इसकी जो बाद में शादी हो जाती है वो भी ऐसा ही करती है, फिर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनको पूरा करती है। उसके अलावा ये लोग पैसे कमाने के लिए सब करते हैं, और एक वक्त की रोटी मिल जाए ये वो लोग एक स्लोगन उसमें रखते हैं, कह रहे हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए ये जो हमारे फोर फादर करते आए हैं वो भी हम लोग इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो करते रह रहे हैं, और कोई भी वहाँ पर रिच मैन नहीं है, सब मिडिल मैन है, मिडिल मैन मीन्स पुअर मैन है। एक हिसाब से देखा जाए तो एक जो लेबरिंग कराना ये हिसाब से क्या है इलीगल है, गैर कानूनी है, बट यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यदि हम लोग इस प्रकार से हेल्प नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या क्या करेंगे, लेकिन यदि हम यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम पुलिस को बुला के यहाँ पर उनसे अरेस्ट करवा लें। और मुकेश की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये जो हमारी स्पिरिचुअल पॉवर्टी एपैथी है वो कभी भी अंत नहीं हो सकता है, हमारे साथ इनजस्टिस है। और अंत में जो राइटर हैं वो दो कैटेगरी के लोगों का वर्णन करती है, एक तो कह रहे कि उन बच्चों की उनको याद आती है जो बहुत रिच लोग हैं जो बिजनेस करते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरियस के लिए ऐसा आराम के लिए पैसा है, लेकिन एक दूसरी साइड उनको ये मुकेश की जो ये ग्लास बैंगल्स हैं उनकी स्टोरी याद आती है, वो कहते हैं कि क्या इनकी लाइफ है और उनकी लाइफ है, यदि इनकी लाइफ को देखा जाए तो जो पॉवर्टी स्टिकन लाइफ है वो बहुत ही खराब है
देखा जाए तो ये हिसाब से इलीगल है, फिर भी मुकेश जो ग्लास बंगल इंडस्ट्री में काम करता है वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और फिर भी ये लोग जो हैं अपने इससे बहुत खुश हैं, अपनी जो जॉब से। मुकेश भी खुश है, कहता है कि मैं भी खुश हूँ। और वो कहता है कि जब लास्ट टाइम जो राइटर उससे पूछते हैं कि क्या क्या बनना चाहते हो, कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। कहते हैं कि मोटर मैकेनिक की जो इंडस्ट्री है यहाँ से वो तो बहुत दूर है, कैसे जाओगे आप, कोई यहाँ से कोई फैसिलिटी भी नहीं है। मुकेश जो है इसमें कहता है कि आई विल गो वॉक, मैं पैदल जाऊँगा और वहाँ पर सीखूंगा। फिर राइटर जब पूछते तो आप सीख के कार चलाएंगे क्या, आप एरोप्लेन चलाना अच्छा लगेगा आपको, एरोप्लेन चलाना अच्छा लगेगा, एरोप्लेन चलाना चाहेंगे। तो मुकेश कहता है कि नो, वो अपनी नीचे पृथ्वी की ओर देखता है, कहता है कि मेरे इतने बड़े ख्वाब नहीं है, मैं पृथ्वी में है तो अर्थ में तो मैं नीचे ही रहूँ, मैं हवा में उड़ना नहीं चाहता हूँ। और अंत में जो उसका ड्रीम है वो पूरा हो जाता है, वो एक मोटर मैकेनिक के रूप में कार्य करता है। थैंक यू।